हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी लेकर के आई हूँ आपके लिए काले चने चटपटे चाट। और जो कि फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कप चने लिए थे काले और ओवरनाइट भिगो दिए थे फ्रेंड्स। और मैंने ये 2-3 दफ़ा वॉश करके अच्छे से 2-3 सीटी तक आ जाने तक उबाल लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे अच्छे से कुकर में छोले जो हैं उबल चुके हैं 3 से 4 सीटी में, बिल्कुल आसानी से पिचक जा रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट है ये। चलिए मैं जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करती हूँ इसकी चाट। मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में फ्रेंड्स चने को। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये चने में पानी रह गया था, इसको मैं बिल्कुल हटा लूँगी चने के साथ में से। ये पानी को बिल्कुल हटा लेना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने चनों में से पानी बिल्कुल हटा लिया है, देख सकते हो आप। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से गल जाने चाहिए चने। और फ्रेंड्स, मैंने चने की चाट बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे फ्रेंड्स, जो कि मैंने ऐसे छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया है। और प्याज भी मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी फ्रेंड्स, उसको भी ऐसी बारीक कट कर लेना है। और ये हरा धनिया है, इसको भी ऐसी बारीक कट कर लिया है फ्रेंड्स मैंने। और ये कुछ अनार हैं फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत थोड़े से अनार लिए हैं। चलिए तो चाट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसमें ले लेती हूँ 2 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, 2 कप चने के लिए 2 चम्मच बहुत रहेगा फ्रेंड्स, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो और टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो नमक को। 1 चम्मच के करीब फ्रेंड्स मैं मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, ज़रूर डालिएगा। 1 चम्मच पाउडर रेड चिल्ली पाउडर लिया है फ्रेंड्स मैंने, रेड चिल्ली फ्लेक्स वाला, और आप रेड चिल्ली पाउडर भी ले सकते हो, सादा जो होती है लाल मिर्ची। 2 चम्मच फ्रेंड्स मैंने अमचूर पाउडर लिया है। 2 चम्मच के करीब लेमन जूस ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, ये रमज़ान के लिए स्पेशल इफ्तारी के लिए बहुत अच्छे हैं ये चने की चाट फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रहती है, आप ज़रूर बनाइएगा, झटपट बन जाते हैं ये चने की चाट। और फ्रेंड्स, इसमें 1/2 टेबल स्पून बिल्कुल गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है फ्रेंड्स। पहले सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चनों के साथ में फ्रेंड्स। ये यकीन मानिए, ये चटपटी चाट बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स खाने में, और इफ्तारी के टाइम पे तो बहुत अच्छी लगती है रमज़ानों में खास करके। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ टमाटर। हरा धनिया और प्याज ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स मैं इसमें। और फ्रेंड्स, जो हमने अनार भी लिए थे वो थोड़े से ऐड कर देंगे इसमें। फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ वेजिटेबल्स को चने के साथ में फ्रेंड्स। अभी से इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा। स्पेशली मैं फ्रेंड्स आपके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसीलिए, क्योंकि चने की चाट बहुत अच्छी लगती है और हमारे घर में तो सबको फेवरेट है फ्रेंड्स, सबको अच्छी लगती है सबकी। और फ्रेंड्स, आपको फेवरेट है या नहीं है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चने की चाट आपको कैसी लगती है। और मैं ऐसे ही आपके लिए रेसिपी लेकर आती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और अगर चने की चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैंने ये झटपट चने की चाट बना के दिखाई है आपको रमज़ान स्पेशल। फ्रेंड्स, इसमें मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मेरे मैगी का मसाला कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया था इसमें फ्रेंड्स। बाकी कुछ नहीं मिलाना है, हमने सारे मसालों को और वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है और चने की चाट झटपट बनकर तैयार है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो। और आपको कैसी लग रही है फ्रेंड्स, लाइक कर ज़रूर बताना लाइक करके, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही यूज़फुल रेसिपी लेकर आके आती रहती हूँ, और लाइक करिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। मैं समझ जाऊँगी आपको मेरी चने की चाट की रेसिपी बहुत अच्छी लगी, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और फ्रेंड्स आपकी फैमिली में किसको पसंद है ये चने की चाट जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स मेरी चने की चाट बनकर बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ चनों की। सो फ्रेंड्स मैंने सर्व कर लिए हैं आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी आज के चने की आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। और फ्रेंड्स मैं ऐसी ही कुकिंग वीडियो के साथ आती ही रहती हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं नई कुकिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।